नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो परंपरागत वस्त्र बताए थे उसी से संबंधित मैं आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ, फुलकारी ऑफ पंजाब। क्या है दोस्तों? फुलकारी ऑफ पंजाब। दोस्तों इससे इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके फुलकारी से संबंधित। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फुलकारी ऑफ पंजाब, यानी पंजाब की फुलकारी। तो ये जो पंजाब की फुलकारी है, ये सबसे फेमस कढ़ाई होती है। दोस्तों जो पंजाब होता है वो बहादुरी के लिए प्रसिद्ध होता है, जैसे गिद्धा, भांगड़ा, जो ये प्रसिद्ध वहाँ के डांस होते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं और वो ही बहादुरी के लिए भी माने जाते हैं। उसी तरह से जो फुलकारी की जो कढ़ाई होती है दोस्तों, ये भी वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध कढ़ाई के नाम से जानी जाती है। तो ये जो फुलकारी है दोस्तों, ये इस फुलकारी का मतलब क्या होता है? तो फुलकारी जो है इसको हम बोलते हैं फ्लावर क्राफ्ट, ठीक। और इसको हम अकॉर्डिंग टू रामपाल के अनुसार इन्होंने कहा कि फुलकारी जो है एक बाग है। क्या है? एक बाग के समान है, जिसको इन्होंने गार्डन या बगीचा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? गार्डन या बगीचा कहा है। और इसमें फूल और कारी दो शब्द है, इससे बना है फूल और कारी। फूल का मतलब फ्लावर और कारी का मतलब क्राफ्ट, यानी हाथ से बनाया गया, ठीक। फूल का मतलब फ्लावर और कारी का मतलब क्राफ्ट, ठीक। अब देखते हैं, मिनी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा है मटेरियल, यानी कौन से मटेरियल का इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसमें मटेरियल मुख्य रूप से खद्दर की क्लॉथ को हम प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो खद्दर के कपड़े होते हैं उसमें जो वार्प और वेफ्ट, ये जो धागे होते हैं वार्प और वेफ्ट के, वो आसानी से दिखते हैं और जिससे हमें डिजाइन बनाने में आसानी होती है। तो हम इसमें खद्दर के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये आपका थ्रेड, यानी इसमें कौन से धागों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से सिल्क के धागों का प्रयोग किया जाता है। किसके? सिल्क के धागों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इनको PAT पैट के नाम से भी जानते हैं। क्या? PAT पैट के नाम से भी जानते हैं। इसमें इसके साथ साथ कॉटन और उलन के भी धागों का प्रयोग बीच में डिजाइन को अट्रैक्ट करने के लिए या डिजाइन को सुंदर बनाने के लिए भी किया जाता है। अब चलते हैं हमारा टेक्निक्स, यानी जो फुलकारी की जो कढ़ाई होती है उसमें कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी इसमें चीज़ों को बनाते हैं उसमें। तो इसमें मोस्टली रूप से वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का और बर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ अन्य जो एनिमल्स होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो वेजिटेबल्स में, जैसे ब्रिंजल्स, कैबेज, यानी अन्य जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको उसमें डेकोरेट करते हैं, उसको बनाते हैं उस डिज़ाइन में, फुलकारी में। फ्लावर्स में जैसे लोटस देखने में सुंदर लगता है, तो पूरे मतलब फुलकारी का जो डिजाइन होती है इसमें बना रहे होते हैं, उसमें बीच में इसको बनाते हैं। किसको? लोटस को। जो आपके बर्ड्स, पीकॉक और आपके अन्य जो बर्ड्स हैं जो देखने में अट्रैक्ट लगते हैं, उनको भी हम इसमें प्रयोग करते हैं इसको बनाने के लिए डिज़ाइन को। तो इन वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और बर्ड्स का प्रयोग करते हैं किसमें? फुलकारी में। अब देखते हैं ये जो काइंड्स ऑफ जो फुलकारी होती है, यानी कितने प्रकार की फुलकारी का प्रयोग करते हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए या फुलकारी को बनाने के लिए। तो देखते हैं, इसके पहला टाइप्स हमारा है, क्या है दोस्तों? चोप। क्या होता है? चोप। इसमें मुख्य रूप से इसमें जो कपड़े बनते हैं वो स्पेशल कोई त्यौहार होता है, स्पेशल जैसे आपको मैरिज, मोस्टली इसमें जो कपड़े बनते हैं वो मैरिज यानी शादी के लिए कपड़े बनते हैं। इसमें मोस्टली रूप से रेड कलर का प्रयोग करते हैं और इसमें सिल्क के धागों का प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों? सिल्क के धागों का प्रयोग करते हैं। और जो ये सिल्क के धागे होते हैं दोस्तों, वो रेड कलर के, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के, ब्राउन रंग के, इन सबको धागों का हम प्रयोग करके चोप फुलकारी को बनाया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं सुबेर। क्या दोस्तों? सुबेर। दोस्तों ये भी स्पेशल सेरेमनी के लिए होता है, मोस्टली जो ब्राइड होते हैं यानी मैरिज में से जो दूल्हा होता है, जो उनके कपड़े पहने जाते हैं स्पेशल, वो भी कपड़े होते हैं, तो उनको बनाने के लिए जो फुलकारी होती है, कौन सी फुलकारी का प्रयोग करते हैं दोस्तों? सुबेर। कौन सी? सुबेर। इस ये
और इसमें भी आपके सिल्क के धागों का प्रयोग करते हैं, येलो रंग के धागों का प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक, अब चलते हैं तीसरा है हमारा सालू। क्या है दोस्तों? सालू। सालू भी एक प्रकार का फुलकारी के प्रकार है। इसमें मुख्य रूप से साधारण रेड चादर बनाने में प्रयोग करते हैं, जो हमारे डेली पर्पस के लिए, यानी जो हम डेली पहनते हैं, डेली पहनने में यूज लाते हैं, ऐसे कपड़ों को बनाने के लिए हम सालू फुलकारी का प्रयोग करते हैं। किसकी? सालू फुलकारी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो बता रहे हैं, इसमें आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसमें से बताइए कौन सी फुलकारी नहीं है, या कौन सी फुलकारी के इसमें प्रकार नहीं है, कौन सा इसमें है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को, क्वेश्चन देखा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आई डिटेल। तो नेक्स्ट हमारा है आपका तिलपत्र। ये भी आपके फुलकारी के प्रकार है। क्या है भी? फुलकारी के प्रकार है। इसमें मुख्य रूप से छोटे छोटे डॉट्स बनाए जाते हैं, जैसे तिल होता है काले काले होते हैं, तो उसी तरह से छोटे छोटे डॉट्स बनाए जाते हैं कपड़े तिलपत्र। ठीक, और ये जो कपड़े बने होते हैं, मोस्टली जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो किसी स्पेशल सेरेमनी में या किसी कंडीशन में उनको गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तिलपत्र। क्या बोलते हैं? तिलपत्र। अब नेक्स्ट चलते हैं सीसादार फुलकारी। क्या है दोस्तों? सीसादार फुलकारी। इसमें क्या होता है सीसादार में, इसमें जो डिजाइन बनाते हैं उसमें बीच बीच में सीसे लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? सीसे लगा देते हैं और उस डिजाइन को भी बनाते हैं, और वो डिजाइन और ही सुंदर लगने लगती है। क्या होता है दोस्तों? और ही सुंदर लगने लगती है, उसको बोलते हैं सीसादार फुलकारी। अब नेक्स्ट हमारा है नीलक। क्या है दोस्तों? नीलक। इसमें क्या होता है? इसमें बैकग्राउंड को और ही फोकस्ड करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये नीलक डिजाइन फुलकारी का प्रयोग करते हैं। इसमें मोस्टली रूप से जो घर में अवेलेबल चीज़ें होती हैं, जैसे कम मतलब कंघी आपके, और ये आपके फैन, अम्ब्रेला, ऐसी चीज़ों का उपयोग करके डिजाइन को बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नीलक। क्या बोलते हैं? नीलक। तो दोस्तों एक बार फिर से चलते हैं कि फुलकारी का मतलब क्या होता है। फ्लावर या क्राफ्ट, यानी फूल मतलब फ्लावर, और क्राफ्ट का मतलब कार्य, यानी हाथ से बनाई गई डिजाइन। नेक्स्ट इसमें मटेरियल खद्दर का प्रयोग करते हैं, धागा सिल्क के धागों का प्रयोग, कॉटन और उलन को भी साथ में प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कौन सी टेक्निक, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, बर्ड्स और एनिमल्स का डिजाइन उसमें फुलकारी में प्रयोग करते हैं, और ये हमारे फुलकारी के प्रयोग हैं। पहला बताइए, पहला क्या है हमारा? चोप। दूसरा सुबेर। तीसरा शालू। और नेक्स्ट तिल पत्र। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों? सीसा तार। और लास्ट हमारा है क्या है होते हैं उसको? नीलक। तो दोस्तों ये हमने आपको फुलकारी के बारे में डिटेल नॉलेज दी। फिर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करिए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है, क्योंकि आपकी वीडियो जो आपके जो कमेंट होते हैं उसको पढ़ करके मैं आपको, हमें और ही प्रोत्साहन मिलता है और ही चीज़ें जिससे हम और भी अच्छा आपके लिए वीडियो ला सकें। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।